हेलो गाइज, नमस्कार। हम आप लोग के इस कैट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैंड्रफ यानी रूसी के बारे में। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, रूसी से परेशान हैं, तो आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम कुछ घरेलू टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने डैंड्रफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानते हैं टिप्स नंबर 1। नींबू स्कैल्प के पीएच स्तर में असंतुलन की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। नींबू के रस में मौजूद अम्ल स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। रूसी की समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच नींबू एक सटीक रूसी हटाने का घरेलू उपाय है। एक चम्मच नींबू के रस को 5 चम्मच नारियल के तेल के साथ मिला ले। मिश्रण को नहाने से पहले अच्छी तरह स्कैल्प पर लगाए। आधे घंटे बाद बालों को हर्बल शैम्पू से धो ले, आपका रूसी खत्म हो जाएंगे। टिप्स नंबर 2। सेब का सिरका। डैंड्रफ हटाने के सटीक घरेलू उपाय के अंतर्गत आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरके में मौजूद अम्ल स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसका प्रयोग कर आप रूसी की समस्या से निजात पा सकते हैं। एक बाउल में 2 से 4 चम्मच सेब के सिरके और 2 से 4 चम्मच पानी को मिला ले। फिर बालों को शैम्पू से धोने के बाद सिरके वाला पानी बालों और स्कैल्प पर लगाए। करीब 15 मिनट बाद साफ पानी से बालों को धो ले। यह प्रक्रिया नहाने से पहले करें। इस बात का ध्यान रखें कि सिरका आपकी आंखों में ना जाए। टिप्स नंबर 3। तुलसी। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है। तुलसी में जीवाणुरोधी और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो रूसी को हटाने में काफ़ी मदद करते हैं। 7 से 8 तुलसी के पत्ते 2 चम्मच आंवले चूर्ण और 2 चम्मच पानी को एक बाउल में अच्छी तरह मिला ले। मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाए और 30 मिनट के लिए छोड़ दे। 30 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो ले, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 4। हीना। हीना बालों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। डैंड्रफ को हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीना के एंटीबैक्टीरियल व एंटी इंफ्लामेटरी गुण रूसी को समस्या को खत्म कर बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। रूसी से छुटकारा पाने के लिए आप हीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हीना पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच चाय पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नारियल का तेल का पेस्ट बना ले। पेस्ट को अच्छी तरह स्केल पर लगाया 30 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो ले, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 5। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी स्कैल्प की त्वचा में मौजूद गंदगी और अतिरिक्त तेल को अवशोषित कर लेता है जो रूसी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यह मिट्टी स्कैल्प को रक्त संचार में भी मदद करता है। 1 कप मुल्तानी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब 2 से 3 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस पेस्ट को स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं। 20 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो लें। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर हमेशा घरेलू और आयुर्वेदिक ही नुस्खा बताते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये नुस्खा आजमाया हुआ रहता है, इसलिए आप लोग के साथ शेयर किया जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।